आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला श्रवणकार समाज सिवनी के द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्रवणकार समाज के पितृपुरुष अजमीर देव की जयंती मनाई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अजमीर देव को श्रवणकार समाज का आराध्य पितृपुरुष माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चूंकि ग्रहण था, इसलिए शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन सुनारी मोहल्ले के श्रवणकार समाज भवन की धर्मशाला में स्वर्णकार समाज के द्वारा पूजन अर्चन किया गया। आचार संहिता के चलते बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हुए, पर पारंपरिक रूप से यहाँ पूजन अर्चन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। स्वर्णकार समाज के पितृपुरुष अजमीर देव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अजमीर देव महाराज राजस्थान के प्रसिद्ध अजमेर, जिसका प्राचीन नाम अजमेरू था, शहर बसाकर मेवाड़ की नींव रखने वाले महाराज अजमीर देव मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज अजमेर देव भगवान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न अत्रि की 28वीं प्रीति पीढ़ी में त्रेता युग में जन्मे थे। महाराज अजमेर देव के पिता श्री हस्ती थे, जिन्होंने महाभारत काल में वर्णित हस्तिनापुर नगर को बसाया था। अजमेर देव ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण हस्तिनापुर राजगद्दी के उत्तराधिकारी हुए और बाद में अजमेर देव प्रतिष्ठानपुर प्रयाग एवं हस्तिनापुर दोनों राज्यों के सम्राट भी हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रारंभ में चंद्रवंशियों की राजधानी प्रयाग प्रतिष्ठानपुर में ही थी। हस्तिनापुर बसाए जाने के बाद प्रमुख राजगद्दी हस्तिनापुर हो गई। इतिहासकारों का अनुमान के मुताबिक ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 2200 तक उनका राज रहा। महाराजा हस्ती के जीवन काल की प्रमुख घटना ये रही कि उन्होंने हस्तिनापुर का निर्माण कराया। प्राचीन समय में हस्तिनापुर न केवल तीर्थ स्थल बल्कि देश का प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक केंद्र रहा करता था। कालांतर में हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी रहा। इसके लिए प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध भी हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा अजमेर देव के धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और उन्होंने खिलौने तथा आभूषण बनाने का उन्हें बेहद शौक था। इसी शौक के चलते वे अनेक प्रकार के खिलौने बर्तन और आभूषण बनाकर अपने प्रियजनों को भेंट किया करते थे। उनके इसी शौक को उनके वंशजों ने आगे बढ़ाकर व्यवसाय के रूप में अपना लिया। तभी से स्वर्णकार के रूप में जाने गए और आज तक आभूषण बनाने का यह व्यवसाय उनके वंशजों के द्वारा जारी है। अजमेर देव एक महान क्षत्रिय पराक्रमी राजा के रूप में मान्य थे। शरद पूर्णिमा अश्विनी शुक्ला के दिन मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा आदि पुरुष अजमेर देव की जयंती मनाने की परंपरा बहुत लंबे समय से जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जिला स्वर्णकार समाज के द्वारा महाराज अजमेर देव की जयंती का आयोजन किया गया। सुनारी मोहल्ला स्थित स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में ये आयोजन किया गया। आचार संहिता चूंकि प्रभावी है, इसलिए आचार संहिता के चलते बहुत सारे आयोजन यहाँ पर शायद नहीं हो पाए। उसके अलावा जो भी आयोजन हुए उसमें पूजन अर्चन और अन्य आयोजन शामिल थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। 17 नवंबर को मतदान होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए। आप जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दीजिए और इस मतदान में हिस्सा जरूर लीजिए। अपने मत देकर अपना मत दीजिए, मत देकर प्रदेश और देश को गढ़ने में, स्वर्णिम प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका, जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका निर्वहन कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय जरूर दीजिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जिला स्वर्णकार समाज के द्वारा स्वर्णकार समाज के पितृपुरुष माने जाते हैं, आराध्य माने जाते हैं अजमेर देव, उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। शरद पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, किंतु शरद पूर्णिमा को ग्रहण होने के कारण उनकी जयंती
शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन मनाई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में सुनारी मोहल्ला बहुत प्रसिद्ध, काफी लंबे समय से प्रसिद्ध रहा है और स्वर्णकार समाज के सदस्यों के द्वारा आभूषण बनाने में पारंगत होते हैं स्वर्णकार समाज के लोग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वर्णकार समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए आभूषण लोगों को लुभाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। स्वर्णकार समाज के द्वारा शरद पूर्णिमा के दिन महाराजा अजमेर देव की जयंती मनाई जाती है, किंतु इस बार शरद पूर्णिमा पर ग्रहण होने के कारण अगले दिन जयंती मनाई गई। सोनारी मोहल्ला स्थित स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में पूजन अर्चन कर विधिवत तरीके से उनकी जयंती मनाई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। 17 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की अपील है। आचार संहिता का अक्षरशः पालन करें, प्रत्याशी भी इसका पालन करें, राजनीतिक दल भी पालन करें। सोशल मीडिया पर अनर्गल भड़काऊ टिप्पणियां, भड़काऊ बातें लिखने से बचा जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महाराजा अजमेर देव की जयंती स्वर्णकार समाज के द्वारा बहुत ही धूमधाम के साथ, पारंपरिक उत्साह उल्लास उमंग के साथ मनाई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहां हम आपको दिखा रहे हैं स्वर्णकार समाज भवन में ये आयोजन किया गया और इस आयोजन में स्वर्णकार समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष किशोर सोनी के द्वारा अपने उद्बोधन में समाज को किस तरह से संगठित किया जाए, किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, किस तरह से आपस में बांधा जाए, लोगों को इस बारे में विचार विमर्श किया गया। लोगों के द्वारा इस संबंध में अपनी अपनी राय दी गई, अपने अपने वक्तव्य दिए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। स्वर्णकार समाज के द्वारा स्वर्णकार समाज के आराध्य अजमेर देव की जयंती मनाई गई। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।